हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण की कथा नासिक नंदगांव में हो रही है, आज पांचवें दिन की कथा समाप्त हुई। आज पांचवें दिन की कथा में आपको कुल पूजनीय पंडित जी सात बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। ऐसी जानकारी आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाली है। दर्शकों, आज आपकी श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है और कल आपकी श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, तो ऐसे में यदि आप अमावस्या के एक दिन पहले इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपके घर से पितृ दोष दूर होता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दर्शकों, यदि आप भी पूजनीय पंडित जी की कथा को सुनना चाहते हैं तो आस्था चैनल पे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इस कथा को सुन सकते हैं। यदि आज की कथा आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो में संपूर्ण कथा की जानकारी और उपाय हम आपको इसी वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और उपाय किस तरह से करना है ये भी समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, पहले हम देख लेते हैं कि कल आपको चतुर्दशी तिथि पे अमावस्या के एक दिन पहले कौन सा उपाय करना है, उसके बाद चलेंगे जानकारी की तरफ, पत्र और उपाय की तरफ। तो चतुर्दशी के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के बाद जो चतुर्दशी तिथि आती है पितृपक्ष की, वो बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि अमावस्या के एक दिन पहले जो भी यह व्यक्ति उपाय कर लेता है उनके घर में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो इस उपाय को करने के लिए दर्शकों, यहाँ पे आपको लेना है पीपल का पत्ता और साथ में मोली या कच्चा सूत ले लीजिएगा। पीपल के पत्ते की आपको बंदरवाट बना लेनी है। बंदरवाट जिस तरह से आप तोरण बनाते हैं, घर के मुख्य द्वार पे लगाते हैं, उसी तरह से आप पीपल के पत्ते की बंदरवाट तैयार करें और इस बंदरवाट को अमावस्या के एक दिन पहले, 2 अक्टूबर को आपकी अमावस्या है तो 1 अक्टूबर को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे बांध दीजिएगा, पितरों का ध्यान करके, पितरों का स्मरण करके। उसके बाद दर्शकों, 3 अक्टूबर को यानी कि अमावस्या के एक दिन बाद इस बंदरवार को आप उतार के आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो उस पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस बंदरवार का विसर्जन कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर से पितृ दोष दूर होगा और पितरों का आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा, सुख शांति समृद्धि होगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस उपाय को आप अमावस्या के एक दिन पहले यानी कि चतुर्दशी तिथि पे आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं दर्शकों आज की दूसरी जानकारी की तरफ। आज की दूसरी जानकारी है, यदि आप पूजनीय पंडित जी की शिव महापुराण की कथा एक दिन भी पंडाल में बैठकर सुनते हैं, सच्चे मन से सुनते हैं, जो पूजनीय पंडित जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाने के बाद पंडाल में मौन होके आप जो भी अपनी इच्छा मांगते हैं महादेव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आपके क्षेत्र में यदि आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो आप भी एक दिन कथा सुनने जरूर जाइएगा। अब चलते हैं दर्शकों आज की तीसरी जानकारी की तरफ। एक बहन का पत्र आया था जिनकी शादी एक डॉक्टर के साथ हुई थी और वो खुद भी डॉक्टर थी। 4 साल शादी के हो गए थे परंतु कोई संतान नहीं हुई। उनकी माता जी ने उन्हें फोन पे बताया कि आप पूजनीय पंडित जी की कथा सुनो और भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, महादेव आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। दोनों माँ बेटी एक दिन पंडाल में बैठकर अपने पति के साथ कथा सुनी और जब मौन होके उन्होंने अपने मन की इच्छा महादेव से प्रकट की श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करने के बाद, और उसी साल में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। 2 साथ में बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी, जो आज पंडाल में उनकी माँ उनकी फोटो लेके पूजनीय पंडित जी को धन्यवाद करने के लिए आई थी। अब चलते हैं आज की चौथी जानकारी की तरफ। एक बहन को कैंसर था,
उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन भी कराया, परंतु एक बार ऑपरेशन कराने के बाद ठीक हुई, फिर धीरे धीरे कैंसर बढ़ने लगा। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि फिर से वो ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर बोले कि अब ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। उन्होंने पूजनी पंडित जी की कथा सुन के प्रत्येक दिन कथा टीवी के माध्यम से सुनना प्रारंभ किया और महादेव पे एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ किया। एक बेलपत्र जो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ी होती थी उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। 6 महीने में उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका कैंसर ठीक हो चुका है। तो यदि दर्शकों आप भी सच्चे मन से कोई भी मनोकामना हो उसके लिए प्रार्थना करके आप भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा पूजनी पंडित जी द्वारा सुनते हैं और उनके बताए गए उपाय करते हैं, महादेव पे एक लोटा जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कथा पूजनी पंडित जी की जो होगी वो उत्तर प्रदेश हापुड़ में होगी। 5 अक्टूबर से कथा प्रारंभ होगी, तो आपके आसपास क्षेत्र में यदि कथा हो रही हो तो आप कथा को अवश्य सुने। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।